ये फिल्म का नाम है हर दिल के अंदर मोहब्बत, और म्यूजिक ऑफ कोर्स दिलीप सेन जी का है, और बहुत खूबसूरत एक रोमांटिक डुएट है ये। फरहान जी ने गाया आपके साथ? फरहान जी ने गाया है, फरहान जी और मेरा ये गाना है, और रजा खान जी ने लिखा है, अब्बास जी प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, और डायरेक्टर हैं सलीम साहब, और डांस डायरेक्टर कौसर साहब, डांस डायरेक्टर हैं कौसर साहब। बहुत मतलब रोमांटिक फिल्म्स बहुत कम बनती हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, और इसके बारे में दिलीप जी ज़्यादा बताएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि पहले तो आप लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि हर दिल में मोहब्बत है, जो हमारे हम हर त्योहारों में हर जगह जहाँ भी जाते हैं, तो ये सबसे पहले कि यही, हर एक से मोहब्बत करो, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहो। तो हमारे अब्बास साहब ने ये कोशिश की है कि हर दिल में मोहब्बत हो, और साधना जी और फरहान साहब का तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी मेरा कोई नया गाना बनता है तो मुझे लगता है कि वो हिट है, वो आ हिट है, इसमें कोई मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसे दो बच्चे मेरे को जब मिल जाते हैं, जो एक बच्चा है एक बहन है, और इन लोगों का मैं ये कहता हूँ कि दिलीप सेन की सक्सेस में, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सक्सेस में किन के हाथ हैं, तो इन बच्चों के ज़रूर हाथ हैं। फरहान साबरी साहब के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े ख़ानदान से हैं, इतने गुणी परिवार से हैं, कि ये जो गाना गाते हैं वो हिट होता है। मगर मेरे इनके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि ये चार जनरेशन में से दो जनरेशन के साथ गा रहे हैं, मतलब दादा के साथ भी गा रहे हैं, और मेरे पोता सोहेल सेन के साथ भी इन्होंने गाया है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मोहब्बत जो फिल्म बन रही है, इसमें सलीम साहब हमारे डायरेक्टर साहब हैं, रजा खान साहब जो राइटर साहब हैं, इनके विषय में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ अरसे पहले या कुछ सालों पहले ये कभी आते थे मेरे यहाँ, और अक्सर ये कुछ लिख के लाते थे, तो मैं कहता था और पको, तो मैं बता दूँ आज पकते पकते मेरे ख्याल से ये कई साल तो नहीं कह सकते, मगर वो आखिर अल्लाह ताला ने वो मौका दे ही दिया, और बहुत ही प्यारे गाने लिखे। मैं समझ रहा हूँ कि आज के जो हल्लड़ गुल्लड़ के ज़माने में इतने साफ सुथरे शब्द जी। और ट्यून वॉइस भी, मतलब कोशिश की हमने, और अब्बास साहब को तो बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा, क्योंकि इस पिक्चर के प्रोड्यूसर के साथ साथ ये हीरो भी हैं, और मैं चाहूँगा कि इतना खूबसूरत हीरो बहुत दिनों बाद आ रहा है, ये जितने हैं उनका तो मैं कहूँगा नहीं, वो तो चल ही रहे हैं, मगर इंडस्ट्री में कोई नई चीज़ आ रही है जिसको क्रेडिट जाएगा सलीम खान साहब को, और कौसर साहब इसके बहुत ही होनहार डांस डायरेक्टर है, जिन्होंने मेरे साथ काफ़ी फिल्में की हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हर दिल में मोहब्बत है। सर आपसे ना परिचय दीजिए, अपना बताइए किस तरह जुड़े हैं फिल्म से आप? मैं एक्चुअली मैं पहले मॉडलिंग करता था, अभी मैं सलीम खान साहब के साथ मिल करके ये मूवी को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो आज गाना रिकॉर्डिंग चालू है, और इसमें मैं लीड रोल कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट इसमें तीन और हैं और हीरोइन है, इसमें दिलीप सर और मैडम ने बहुत अच्छा गाना गाया, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और इससे बेटर कोशिश करके और अच्छा लॉन्च करूँ, और हमारी मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है अक्टूबर से, जो हम लोग यूपी से स्टार्ट कर रहे हैं, और बाकी सलीम साहब, राइटर साहब रजा साहब और कौसर साहब भी हमारे जो डांसर्स हैं, बहुत अनमोल सपोर्ट कर रहे हैं, दीप सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सर मैंने सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा दिलीप सर को, जिन्होंने मुझे चांस दिया मैम के साथ गाने के लिए। सीरियसली आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। नहीं नहीं, मैं भी फैन हूँ। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं पर्सनली मतलब कन्फेस करना चाहूंगा कि मैं यूट्यूब पे स्पेशली मैम का नाम लिख के मैं मैम को सुनता हूँ, एंड हम लोग बड़े हुए हैं आप सबको सुन के, तो पर्सनली मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड थैंक्स टू दिलीप सर कि जिन्होंने मुझे चांस दिया आपके साथ गाने के लिए। एंड गाना ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत खूबसूरत गाना है, जो आई थिंक हमारी जनरेशन में मिस हो रही है मोहब्बत। आई थिंक शायद ये उसको डेडिकेट करना चाहूँगा कि मोहब्बत एक्चुअली मीन क्या है मोहब्बत का, तो ये गाना शायद उस बेस पे जाएगा, एंड बहुत खूबसूरत गाना है, जब सामने आएगा जो आप लोग सुनोगे तो डेफिनेटली यू गाइस लव्ड इट, एंड आई होप ये औरों की तरह सुपरहिट गाना हो, जैसे माशाल्लाह इनके हैं ही हैं, तो बस फिंगर क्रॉस है। लेट्स सी। दूसरा मैं एक बात ये बताना चाहूँगा आप लोग, जब मैं किसी को भी इंटरव्यू देता हूँ तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आज के संगीत का क्या हाल है, तो मैंने उनसे एक ही बात कहता हूँ कि संगीत आज भी अच्छा है, जो बच्चे कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, मगर एक क्वेश्चन मैं मार्क जरूर उनके पास छोड़ देता हूँ कि भाई अगर जो काम कर रहे हैं उनको अगर अच्छे शब्द मिले, अच्छा प्रोड्यूसर मिले, तो आज का भी म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा काम कर सकता है। मैं इस मामले में नसीब वाला हूँ कि मुझे अब्बास साहब, रजा साहब, सलीम साहब और कौसर साहब जैसे लोगों ने सोचा कि नहीं यार इस ऐसे मेलोडी चाहिए तो दिलीप सेन को ढूंढो, तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें मेरे से ज़्यादा मैं इनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे ढूंढा,
और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस फिल्म के अंदर जो मैं बता दूं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि दिलीप सेन का एरा का म्यूज़िक होगा, इसमें आज के एरा का भी हम लोगों ने म्यूज़िक किया है, क्योंकि हमने पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ओले ओले देखे, अफलातून फिल्में देखे मैंने, और इन लोगों ने भी, ये बच्चे तो आज भी प्रूव कर रहे हैं मेरे भतीजे के साथ, पोते के साथ काम करके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत मेरी तरफ से अब्बास साहब को, रजा साहब को, सलीम साहब को, कौशल साहब को, इनको बहुत बहुत मुबारक है। और मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि बहुत जल्द ये फिल्म आपको पर्दे पर देखने को मिलेगी, आप लोगों का प्यार और दुआएं।